सवाल नाचे जवाब गुम है। उसका नाम क्या था? दरवेश खान। अम्मा किधर है? अम्मा किधर है? अम्मा किधर है? बाहर तो सब सही है, तो अम्मा किधर है? अम्मा किधर है? आगा जान, अम्मा किधर है? मर गई है तुम्हारी अम्मा। दफना कर आया हूं उसे। मेरी नसीहत याद रखना, अगर मैं मर गया तो ये तुम्हारा फर्ज होगा कि तुम इस औरत को ठिकाने लगाओ। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। जब तक ये मनहूस औरत जिंदा है मैं जिंदा हूँ, अगर मर गया तो अपने बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये गंदगी जो इस नस्ल के अंदर घुसाई है इसे साफ करके मरूंगा। ये गंदगी तो है जिसकी वजह से मैं सालों साल से अपने पोते को नहीं देख सका। जाओ यहां से। गलती अरमान की है, ये गलती नहीं। जो मैं और कुदरत ने उसको मौत की सूरत में उसकी सजा दी है, कसूर हमारा नहीं है और सालार हमारी नस्ल है। सालार का नाम मत लो, गलती मेरी है। मैंने अपनी बेटी का मुस्तकबिल अपने हाथों तबाह किया। उसकी शादी अरमगान जैसे कमजोर शख्स के साथ करके, और मुझे अपनी शक्ल भी दोबारा मत दिखाना। इसी में बेहतरी है हम दोनों की। सलामत ले जाओ इसे। 27 साल का हो गया होगा सवाल, पूरी वर्ष पता नहीं उसे कहां ले गए हैं। 20 साल से नहीं थे। अबा जी किसी और मुल्क शिफ्ट हो गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान होती तो कोई खैर खबर तो आती उसकी, और वो दूसरा इनायत खान के मरने के बाद वो यहाँ कभी नहीं आई। एक ही भाई था उसका, वो भी कनाडा शिफ्ट हो गया, शायद उसके पास चली गई हो। सलाम, मेरा हुकुम है, तभी तो मेरा। बाहर नहीं जा सकती, जान को खतरा है तुम्हारी। मुझे बाहर जाना है। तुम नहीं जाओगी बाहर। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। मुझे अम्मा के पास जाना है। मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बेटा मैं तुम्हें खुद बाहर लेकर जाऊंगा। अंदर आओ। मैंने तुम्हें ये सब बताया इसलिए कि तुम्हें यहां से निकालना है। कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। सिफारिश नहीं बढ़ता, बेहतर है मैं मर जाऊं। तुम मर नहीं सकती, नहीं मर सकती। तुम मेरी और तुम्हारी मां की सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत में गुजरी है। कहीं नहीं गए हम, कुछ नहीं देखा। कोई गमी खुशी त्यौहार कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत और सलामती के बारे में सोचा। क्या सोचा? छुपा दिया, झूठ की जिंदगी दी। जो मेरी समझ में आया मैंने किया। हर इंसान इतना ताकतवर नहीं होता कि हालात से लड़ सके। बचपन में ही जमीन में दबे बम पर मेरा पांव आ गया। टांग जाया हो गई मेरी,
वो डर ऐसा दिल में बैठा कि आज तक नहीं निकला। ऐसे गाड़ी से, बंदूक की आवाज से, किसी भी चीज के टूटने की आवाज से मैं डर जाता हूं। इस लगड़ेपन की वजह से इस इलाके में किसी ने लड़की भी नहीं दी मुझे। उस वक्त मेरे बाप ने 1,00,000 रुपया देकर मेरी शादी करवाई। अपाना पहाड़ों से आई थी, फिर कभी वापस नहीं गई। हमारी कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस दिन जब अरमगान ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया ना, बहुत डर गया था मैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें की हिम्मत नहीं थी मुझ में। आप करवान खान को जानते हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी जिद की खातिर। ये उनका घर का मसला है, हम दोनों इससे दूरी रहें तो बेहतर है। मैं तो दूरी रहना चाहता हूँ। अरमगान इसे मुझे पकड़ा कर चला गया, बात ही नहीं सुनी। चलो एक रात की बात है, सुबह इसे वापस कर देना। और अरमगान भाई से कहना कि हम कमजोर लोग हैं, दोबारा हमें इस आजमाइश से दूरी रखे तो बेहतर है। अरमगान भाई से बात हुई? मिले? नहीं। क्यों? मर गया अरमगान। हैं? कैसे? मेरी और तुम्हारी माँ की जिंदगी का हासिल तुम्हारी हिफाजत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो समझो हमारी जिंदगी बेकार गई। कोई ऐसा काम ना करना कि तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचे। मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, वादा। का वादा? इंसान इतना ताकतवर नहीं होता ये हालात से लड़ सके। मेरी और तुम्हारी माँ की जिंदगी का हासिल सिर्फ तुम्हारी हिफाजत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समझो हमारी जिंदगी बेकार गई। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता कोई ऐसा कदम ना उठाना कि तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचे। मैं खुद तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। परेशान नहीं हो, वक्त बहुत कम है हमारे पास। परेशानी दिमाग को खराब करती है और तुझे अपने दिमाग की सख्त जरूरत है।
अभी मैंने तुझे बहुत कुछ बताना है, सिखाना है, यहां से बाहर निकालना है तुझे। जितनी जल्दी हो सके गमों को भूल जा, तूने नई जिंदगी शुरू करनी है। अभी तो मेरे बच्चे ने जिंदगी की बाहरें देखनी, इस तरह मायूस होकर बैठ जाएगी तो क्या करेगी। गमों को भूल जा, चल शाबाश। खाने में छुपाने का ख्याल कैसे आया? सर उन्होंने आखिरी धमकी दी है, अगर 24 घंटे में उनके मुतालबात पूरे ना किए तो वो बॉम्ब्स गिरा देंगे। सर बॉम्ब्स इतने खतरनाक हैं कि अगर वो एक बार यहाँ गिरे तो 100 साल तक कोई इंसान खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। हम सबको जेरे जमीन तहखानों में जाना पड़ेगा, उन तहखानों से निकलने के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम सब भी मर जाए। बस वो फिल्म देखी और एक कहानी बना ली, वही कहानी तुझे सारी जिंदगी सुनाता रहा। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, जो मेरी समझ में आया मैंने किया। आपने जो किया मेरी हिफाजत के लिए किया। बाहर चलेगी अपने आगा जान के साथ, बाहर चलेगी। तुझे बाहर की दुनिया दिखाता हूं। चल जल्दी से नाश्ता कर, मैं खुद अपने बच्चे को बाहर ले। आंखें खोलो रश्ती ना, ऐसा लग रहा फैशन। वालेकुम कैमान साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है।
अंदर चल, पीछे जाके छुप जाओ, जल्दी जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से तुम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मैंने सोचा पूछू कहीं तुम भी अपनी बीवी के गम में अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए। वैसे घर में कोई है तो नहीं? अब आना ही थी, वो भी चली गई। जाना तो हम सब ने है, अल्लाह की मर्जी है। मुझे तुम्हारी बीवी का बहुत काम है, लेकिन इंसान अगर इज्जत से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन हम हैं कि मर भी नहीं सकते तुम्हारे बदबख्त दोस्त की वजह से, जो खुद तो मर के आराम कर रहा है और हमें सुन पर लटकाया हुआ। बहुत गलत किया उसके, लेकिन अब तो मर गया है ना, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। दोनों दोस्त नकम्मे हैं। एक इतना बड़ा अजाब करके मर गया और तुमने अपनी जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, घर में ही गुजर। तुम्हारा बाप एक शेर दिल इंसान था, नस्ली कारोबारी, उसने बड़े दिल से ये घर बनाया जो तुमने खराब कर दिया। जितना हो सका कोशिश की संभालने की। तुमने क्या संभाल, वो तो तुम्हारे लिए पैसे छोड़ गए। याद आया कि तुम्हारे बाप ने इस घर में एक तहखाना भी तो बनाया था। वो तो सालों से बंद है, तुम्हारा उधर क्या काम? उस जमाने में इस इलाके में कभी कभार बम गिरा करते थे और तुम्हारे बाप ने परेशान होकर तुम्हारी हिफाजत के लिए इस घर में एक तहखाना बना दिया। वो लोग उसको डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसी शक्ल बनाकर अगर बाहर निकलोगे ना तो लोग समझेंगे बीवी के पीछे मजनू हो गया। मर्द बनो, मर्द। कौन था? तुम्हारा दादा कारवान खान। अब तुम इधर महफूज नहीं हो, इस बात का अंदाजा मुझे अपाना को दफनाते हुए हो गया था। पहले तो इस घर में औरत थी, सबको मालूम था, लेकिन अब सबको पता है कि यहां कोई औरत नहीं है। हर कोई मुंह उठाए अंदर चला आएगा। तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम कब जाएंगे? बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है, दुनिया की हकीकतें बतानी है। यहां से तो निकलते हैं, आप साथ साथ बता देना। तुम्हें यहां से अकेले जाना होगा। तुम्हारी शक्ल यहां पर कोई नहीं पहचानता, अगर मैं तुम्हारे साथ हुआ तो कारवान खान पहचान जाएगा तुम्हें, वो हमारी नस्लों को जानता है। अगर मैं गायब हुआ तो वो मुझे ढूंढेगा और तुम भी साथ मिल जाओगी। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी तुम्हें इस दुनिया के कानून का नहीं पता रिश्ती ना, यहां पर सबने सब को छोड़कर चले जाना। तुम्हारी मां भी तो छोड़कर चली गई। लेकिन मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पिछले 20 साल से तुम्हें रोज कहानियां सुनाता था, ये कहकर के ये पुराने जमाने की कहानी है। मुझे पता था एक दिन तुम यहां से निकलोगी और ये कहानियां और एक काम आएंगी। तो वो जो आप तस्वीरें दिखाते थे, टीवी, रेल, गाड़ी, सड़क,
पहाड़, समंदर, कुछ तबाह नहीं हुआ? नहीं, सब है। मैं जिस कहानी में पुराना जमाना कहता था ना, हम उसी जमाने में रह रहे हैं। तो आप तो कहते थे पुराने जमाने में वो लगता था बड़ा सा मेला लगता था। हाँ। तो मेला होता है भाई? हाँ ना। लेकिन जिस इलाके में हम रहते हैं वहां ज्यादा नहीं, शहर में तो मेला ही लगा हुआ है। तस्वीरों में दिखाया था ना तुम्हें। ये है मोबाइल फोन, इस पर हिंदसों की मदद से नंबर मिलाते। मिलाओ। हाँ। और दूसरे इंसान का नंबर मिलाते हैं, उससे बात होती है। वहां पे बात हो जाती है? नहीं, उसके पास फोन होना जरूरी है। ऐसा? ऐसा। और उस फोन पर घंटी बजती है, जब घंटी बजती है तो फोन यहां से उठाते, ये उठाकर और कान पर लगाते, और दूसरा इंसान आपसे फोन पर बात करता है। तो दूसरा कहाँ है? मैं बात करूंगी आपसे। ठीक, अपने बच्चे के लिए ले आऊंगा मैं फोन। इसमें वो भी होता है ना, इंटरनेट? इंटरनेट होता है ना इसमें? इंटरनेट। हम ना पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, यहाँ पर इंटरनेट नहीं होता, लेकिन शहर में होता है। मुझे इंटरनेट के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है एक बटन पर पूरी दुनिया मौजूद है। इसमें पूरी दुनिया? एक बटन पर। आसमान भी? ऊपर चले दोबारा? चलेंगे। ये तुम्हारा बे फॉर्म है, इसकी मदद से तुम्हारा शिनाख्ती कार्ड बनेगा। शिनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा? एहसन तुम्हारी मदद करेगा। अब तक तो बहुत बड़ा अफसर बन गया होगा। तुम्हारे बाप का बड़ा अच्छा दोस्त था, उसके निकाह का गवाह भी था। ये एहसन के घर का पता है, ये अपने पास लिख लेना, और इस्लामाबाद पहुंचते ही इसके पास चली जाना। फोन करना मुझे, जल्द आ जाऊंगा। आगा जान, आप चले ना साथ। मैं नहीं आ सकता,
अगर मैं मोहल्ले से गायब हुआ ना तो लोग शक करेंगे मुझ पर। मैं आ जाऊंगा ना। जल्दी आना। तू फिक्र ना कर, तेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता मैं, जल्दी आऊंगा। अच्छा तेरे लिए ये कैमरे वाला फोन लेकर आया हूं। दुकानदार कह रहा था शहर जाते ही इस पर इंटरनेट आ जाएगी, ऐसा से सीख लेना। आपका नंबर दे, आपको कॉल मिलाती। लिख 8 4। घंटी। हेलो हेलो बोल। हेलो अच्छा दूर जाके बात कर। हेलो हेलो। हाँ रश्तीना। आगा जान। हाँ कैसे हैं? ठीक हूँ। बंद कैसे होगा? कर दो। रख दो। हेलो आगा जान। हाँ आवाज आ रही है। यहाँ से तो बात हो रही है, शहर से भी हो जाएगी ना। बस शहर जाते ही फोन करना। आगा जान कोई कहानी सुना दे। आप आ जाएंगे ना? हाँ बेटा 2-4 दिन तक आ जाऊंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है 2-4 दिन तेरे बगैर कैसे गुजरेंगे। आप अपना वादा याद रखना, सिर्फ इस शर्त पर जा रही हूँ कि आप जल्दी आ जाएंगे। याद है वादा। अच्छा अब वक्त कम है, हमें निकलना होगा। क्यों? अभी तो फजर की अजान भी नहीं हुई। यही वक्त है निकलने का यहाँ से। तुझे रास्ता याद है ना? नक्शे पे तो सब आता था, भी पता नहीं। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे पीछे होऊंगा बस स्टॉप तक। फजर की अजान के फौरन बाद इस्लामाबाद के लिए बस निकलती है, तूने उस पे बैठना है। याद है आगा जान। ये 1 लाख ही जमा हुए, मेरे आने तक तूने इसी से खर्च कर। और डर लग रहा है, दिल बैठ रहा है। डरना नहीं, मन से काम लेना है तू। एक बार की हिम्मत तुझे इस जहन्नुम से निकाल देगी। अच्छा हिसाब याद है? इसमें से 660 रुपए दे। बच्चा चल निकलने का टाइम हो गया। Thank you.
काश मैं तुम्हें यहां रख सकता, न जाने क्यों। अब्बा? हाँ अब्बा, दरवेश खान को थोड़ी देर पहले किसी औरत के साथ जाते देखा है मैंने। उसकी बीवी फौत हुई है, मुमकिन है कोई औरत अफसोस के लिए आई हो। अब्बा, रिश्तेदार होती तो छुपकर सुबह सवेरे यूं अंधेरे में, और दरवेश खान भी कुछ फासले पर उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है अब्बा। हाँ जी इस्लामाबाद आले, आ जाओ जी इस्लामाबाद आले। हाँ जी लाला, कुछ चुलसो पिछाओ जुलो जी, पिछाओ अपनी अपनी सीटा उतर बहो जी। हाँ जी आओ पिंडी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इस्लामाबाद जी। मैडम आ जुलो बहो जी, बहो जी। हाँ जी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इस्लामाबाद। ओ जुलसो इस्लामाबाद जुलसो। अल्लाह के सपर से आ रहे हो? दिल घबरा रहा था, टहलने गया था। वो लड़की कौन थी तुम्हारे घर में? लड़की कोई लड़की नहीं थी दरवेश, लड़की थी, मैंने खुद तुम्हारे घर से निकलते देखी है। दरवेश खान,
बीवी के बाद तुम किसी देर आ रही में तो नहीं पड़ गए? मुझे गुसल खाने जाना है। कौन थी? कौन? जो औरत तुम्हारे घर से निकली थी। तुम्हें बताया है कि मुझे हराम के कामों से कितनी नफरत है। आप मेरी उम्र तो देखें, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन बतूर के मुताबिक वो औरत तुम्हारे घर से निकली है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर कुछ चोट नहीं है, छूट के बोल गया। सवाल नाचे जवाब गुम दर कहानी है, हकीकत कहानी है, सच भी एक फसाना है, जीने का बहाना है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।